हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैंने किसी से बातचीत करी, पटना हाई कोर्ट से एक एंटीसिपेटरी बिल खारिज हुई। 498A में एंटीसिपेटरी बिल डाली, पहले वो सेशन कोर्ट से खारिज हुई, उसके बाद वो हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई और उसमें कुछ कंडीशंस जोड़ रखी थी। जो कंडीशंस फुलफिल कर पाना उस व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, सर क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? मैंने देखा यार, इस तरह की कंडीशन तो नहीं लगाई जा सकती। एंड सब चीजें देखते हुए, पूरे ऑर्डर को अच्छे से समझते हुए, मैंने उनको ये कहा कि आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और वहां से आपकी होने की पॉसिबिलिटी काफी है। अभी उसके बाद उनका प्रश्न था, क्या गारंटी है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो बेल हो जाएगी? हो सकता है कि आपको ऐसी गारंटी भी दे दी जाए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कोर्ट में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। केवल आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, आपका लॉयर, आपका एडवोकेट या उसका पैनल केवल अपनी तरफ से मेहनत कर सकता है आपको जस्टिस दिलाने के लिए। गारंटी कुछ नहीं है। अगर आपकी फीस 1 लाख है, आप किसी को 10 लाख फीस दे दो, 10 गुना दे दो, 20 गुना दे दो, गारंटी कुछ नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि कोर्ट में गारंटी है, तो केवल आपको भ्रमित किया जा रहा है। यानी गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल एडवोकेट की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है। एडवोकेट हद से ज्यादा आपको बता सकता है कि इसमें परसेंटेज कितना है, 50% चांस है, 60% चांस है, 70% चांस है, 80% चांस है, इतना जस्ट। लेकिन कोई गारंटी किसी प्रकार की नहीं होती। अब अगर आप ये सोचे कि पहले मुझे कोई रिटर्न गारंटी दे कि मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टेप लूंगा, तो दोस्तों फिर कुछ नहीं हो सकता, ट्रायल बैठ के लड़ते रहो। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा रिलीफ हमें एक मामले में मिला, उसी मामले पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये जो इतना रेफरेंस मैंने आपको दिया, ये इसीलिए दिया कि बहुत से लोग होते हैं जो कि क्वेश्चन में जाने से पहले ये सोचते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कहीं जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैसे खराब हो जाएंगे, कहीं जाऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा टाइम लग जाएगा, कहीं जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं है बेवजह चला जाऊंगा। बहुत सारे तर्क अपने दिमाग में लाते हैं। देखो, जिन भी लोगों को क्वेश्चनिंग में रिलीफ मिला है, वो तभी मिला है जब वो क्वेश्चनिंग में गए हैं। अगर वो भी बैठ के चेयर पे विचार करते रहते हैं लेकिन जाते नहीं, तो घर पे आपको रिलीफ देने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपने टाइम का, अपने पैसे का, अपनी मेहनत का, उसके बाद जाके वो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर कोई ये कहता है कि हाँ जी क्वेश्चनिंग हो जाएगी, तो ये भी गलत है। क्वेश्चनिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 25% 20% मामलों में क्वेश्चनिंग होती है, बाकी में रिजेक्शन है, बहुत सिंपल। लेकिन जिसमें क्वेश्चनिंग होती है वो तभी होती है जबकि वो क्वेश्चनिंग में मूव किए। तो कहने का मतलब, आपकी FIR चार्जशीट वगैरह देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आपको क्वेश्चनिंग फाइल करनी चाहिए नहीं। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद ये देखना होता है कि क्वेश्चनिंग कैसे फाइल करनी चाहिए, किन ग्राउंड्स पर फाइल करनी चाहिए, कितने लोगों की तरफ से फाइल करनी चाहिए, कंबाइंड फाइल करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की तरफ से सेपरेट फाइल करनी चाहिए। ये हर एक मैटर पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, हमारा एक मैटर था, उस मैटर के अंतर्गत हाईकोर्ट में महाराष्ट्र का मामला था, एक क्वेश्चन पिटीशन फाइल हुई, वहां से दोस्तों क्वेश्चन पिटीशन रिजेक्ट हो गई। अब रिजेक्ट होने के बाद जब वो मामला हमारे पास आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपको करना है, तो जब हमने वो ऑर्डर देखा, तो उस ऑर्डर को देख के हमें लगा कि हाँ भाई, इसमें पॉसिबिलिटी है। हमने उनको बोला, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है, आप जा सकते हैं, अब आप देखो। तो उन्होंने कहा, ठीक है सर, जो भी होगा आप अपनी तरफ से मेहनत करो, जाओ। अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से मेहनत करी, एक अच्छी ड्राफ्टिंग, एक अच्छे आर्ग्यूमेंट, यानी जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे उतना हमने वो क्वेश्चन पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाई। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्लियर कर दिया कि अगर आप पति के नाम से क्वेश्चन लेकर के आए हो, तो ये पति का नाम आप विड्रॉ करो, अदरवाइज ये पिटीशन हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमने उसमें से पति का नाम विड्रॉ किया। अब उसमें से पति के अलावा भी 6 और लोग थे, मम्मी पापा बहनें रिश्तेदार, बहुत लोग थे। वो क्वेश्चन पिटीशन हमारी फाइल भी हुई और सक्सेसफुली वहां से क्वैश भी हुई। आप सोचिए, 1 साथ 6 लोगों के नाम क्वैश होना कितनी बड़ी बात है। और जिस व्यक्ति की क्वेश्चन पिटीशन थी, उनको जब हमने बताया कि 6 लोगों का नाम हट गया, तो एक बार को उनको भी विश्वास नहीं होता कि 6 के 6 लोगों का नाम हट गया। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, और यह भी हो सकता था कि ना हटता, आपकी क्वेश्चन पिटीशन खारिज हो जाती, दोनों ही चीजें हो सकती थी। अगर उनको रिलीफ मिला, तो रिलीफ इसने मिला क्योंकि वो आगे हाईकोर्ट में भी रिजेक्ट होने के बाद अपना मनोबल बनाए रहे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तब जाकर के न्याय मिला। लेकिन फिर भी आप सोचो, साल भर के अंदर अंदर आपकी क्वेश्चनिंग हो गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, 1 साल का भी टाइम नहीं लगा। मैं जजमेंट की कॉपी आपको दूंगा, आप देख सकते हैं। और अगर वो ट्रायल चलाते, तो एक बंदा उनमें से मुंबई रहता था, एक नागपुर रहता था, एक कहीं और रहता था, और सबको मिलकर जाना पड़ता, तो क्या वो वर्थ था? बहुत मुश्किल हो जाती सबके लिए। सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, सबके अपने अपने परिवार थे, अपने अपने बच्चे थे। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिल गया। अब दोस्तों, ऐसे ही आपके साथ भी है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। कई बार होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं, आपको मेरिट पे नहीं सुना जाता।
इस मामले में ऐसे ही था, मेरिट पे सुना ही नहीं गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया। और ऐसे एक नहीं अनेकानेक मामले होते हैं। वेस्ट बंगाल में मालदा का मामला था हमारे पास, वो भी हाई कोर्ट से रिजेक्ट होकर आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो गया था। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब गारंटी बोलोगे तो बात अलग है, हाँ जी 100% गारंटी कर लो, लेकिन वो फेक गारंटी है, ऐसे कोई गारंटी वाला सीन होता नहीं कोर्ट में। यानी कि सिंपल वे में आपको गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन आपका जो एडवोकेट है, एडवोकेट पैनल है, उन पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं और उस मेहनत से हो सकता है कि सक्सेस मिल भी जाए और हो सकता है सक्सेस ना भी मिले, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो प्लस माइनस दोनों ही होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता चाहे वो कितना ही बड़ा कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो कि 100% केस उसी के फेवर में आएंगे, 50 आएंगे 50 नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब आप केवल मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रहिए, तर्क के साथ चलिए, लॉजिकल चलिए, बातों के जाल में मत फंसिए। और दोस्तों आपको इस मामले का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।